नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24 और मैं हूं नीरज कुमार। और वक्त हो चुका है सुबह के कुछ ताजा तरीन खबरों का। टीम इंडिया और बांग्लादेश के बीच 3 T20 मैच की सीरीज का तीसरा मैच आज नागपुर में खेला जाएगा, जहां इस मैच में जीत हासिल करने के लिए दोनों ही टीम पुरजोर कोशिश करेगी, क्योंकि इस सीरीज में दोनों ही टीम एक एक मैच जीतकर बराबरी पर है। आपको बता दें कि आज इस मैच को लेकर क्रिकेट प्रेमियों में काफी उत्साह नजर आ रहा है। अयोध्या मामले में सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला आने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित करते हुए कहा कि पूरे देश की इच्छा थी कि इस मामले की रोजाना सुनवाई हो। दशकों तक चली न्यायिक प्रक्रिया का अब समापन हो गया है। इसके साथ ही पीएम ने कहा कि आज दुनिया ने भी यह जान लिया है कि भारत का लोकतंत्र कितना मजबूत है। अयोध्या राम जन्मभूमि मामले में उच्चतम न्यायालय के फैसले पर शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने कहा कि भारत के इतिहास में यह दिन स्वर्ण अक्षरों से लिखा जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि वरिष्ठ भाजपा नेता लालकृष्ण आडवाणी ने राम मंदिर निर्माण के लिए रथ यात्रा निकाली थी, इसलिए मैं उनसे जरूर मिलूंगा और बधाई देकर उनका आशीर्वाद लूंगा। अयोध्या मामले पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद भाजपा के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी ने भी खुशी जाहिर की। उन्होंने कहा कि अयोध्या पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से आज बहुत खुश हूं और देशवासियों की खुशी के साथ हूं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि भगवान का शुक्रिया, मैं इसका एक हिस्सा रहा। गौरतलब है कि लालकृष्ण आडवाणी ने राम मंदिर निर्माण के लिए पूरे देश भर में रथ यात्रा निकाली थी। देश की लीडिंग दूरसंचार कंपनी भारतीय एयरटेल ने कोलकाता एवं अन्य टेलीकॉम सर्कल के बाद अब केरल में भी 3G सर्विस बंद करने का फैसला किया है। दरअसल एयरटेल धीरे धीरे अपनी 3G सर्विस को बंद करके नेटवर्क को 4G सर्विस में अपग्रेड कर रहा है। झारखंड विधानसभा चुनाव के तहत 11 नवंबर को दूसरे चरण की सीटों पर चुनाव की अधिसूचना जारी होगी। आपको बता दें कि इसी के साथ इस चरण की 20 सीटों पर नामांकन शुरू हो जाएगा। अयोध्या मामले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अखिल भारतीय हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चक्रपाणी महाराज ने अयोध्या में सोने का राम मंदिर बनाए जाने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि अयोध्या का राम मंदिर पूरी दुनिया में भारत की प्रतिष्ठा स्थापित करने वाला होगा। यह भारत की संस्कृति की पहचान बढ़ाने वाला भी होगा, इसलिए इसे बनाते समय इसकी भव्यता का विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। पिछले एक साल में दुनिया भर के अमीरों की दौलत में 10 साल की सबसे बड़ी गिरावट आई है। रिपोर्ट के मुताबिक अमीरों की दौलत 38,800 करोड़ रुपए डॉलर घटकर 8.539 लाख रुपए करोड़ डॉलर रह गई है। आपको बता दें कि यह आंकड़े दुनिया की बड़ी इन्वेस्टमेंट कंपनी UBS और PwC ने जारी की है। जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मोहम्मद सैयद अरसद ने कहा कि उच्चतम न्यायालय द्वारा अयोध्या मामले पर दिए गए फैसले को किसी की जीत या हार की दृष्टि से ना देखें। उन्होंने देशवासियों से अपील की कि वे देश के अमन एवं भाईचारे के वातावरण को बनाए रखें। साथ ही उन्होंने कहा कि ये फैसला हमारी उम्मीद के मुताबिक नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च संस्था है। टेलीकॉम कंपनियां आए दिन नए नए प्लान पेश कर ग्राहकों को लुभा रही है। इसी कड़ी में वोडाफोन ने भी 20 रुपए का सस्ता प्लान उतारा है। दरअसल वोडाफोन अपने फुल टॉक टाइम प्लान वापस लाई है, जिसमें 20, 30 और 50 रुपए का प्लान मौजूद है। आपको बता दें कि इन प्लान में ग्राहकों को फुल टॉक टाइम मिलेगा, जिसकी वैलिडिटी 28 दिनों की होगी। कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने SPG प्रमुख अरुण सिन्हा को पत्र लिखकर अब तक की सुरक्षा के लिए आभार जताया है। सोनिया गांधी ने खत में लिखा है कि मैं पूरे परिवार की ओर से SPG को धन्यवाद देती हूं। जिस तरह से SPG ने समर्पण, विवेक और व्यक्तिगत तरीके से हमारी देखभाल की, उनकी हम गहरी प्रशंसा करते हैं और आभार व्यक्त करते हैं। गौरतलब है कि गृह मंत्रालय द्वारा कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की SPG सुरक्षा हटाने का फैसला लिया गया है। दिल्ली की फतेहपुरी मस्जिद के शाही इमाम डॉक्टर मुफ्ती मोहम्मद मुकरम अहमद ने अयोध्या मामले पर सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि फैसले में थोड़ी कमी रह गई है, अभी तक जो सुना है वह 2+2=4 जैसा नहीं है। खैर, कानून है तो सम्मान होगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि रिविजन के लिए कोई रास्ता निकलता है तो ठीक है, अन्यथा कोर्ट का फैसला मानेंगे। भाजपा के वरिष्ठ नेता मुरली मनोहर जोशी ने अयोध्या मामले पर सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले का स्वागत किया है। मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने कहा कि सभी लोगों को इस फैसले का सम्मान करना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद देश को आगे बढ़ना है, पीछे नहीं देखना। पीएम नरेंद्र मोदी ने कल करतारपुर कॉरिडोर का उद्घाटन किया और श्रद्धालुओं के जत्थे को ऐतिहासिक नगर डेरा बाबा नानक से पाकिस्तान में मौजूद तीर्थस्थल गुरुद्वारा दरबार सिंह साहब के लिए रवाना किया।
श्रद्धालुओं के इस दल में पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह और उनकी पत्नी भी शामिल है। इस मौके पर मनमोहन सिंह ने कहा कि इस शुरुआत से भारत और पाकिस्तान के संबंध काफी सकारात्मक होंगे। अयोध्या मामले पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या मुद्दे पर अपना फैसला सुनाया है और कोर्ट के इस फैसले का हम सभी सम्मान करते हैं। हम सभी को आपसी सद्भाव बनाए रखना है। इसके साथ ही राहुल गांधी ने कहा कि ये वक्त हम सभी भारतीयों के बीच बंधुत्व, विश्वास और प्रेम का है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा कल अयोध्या मामले पर फैसला सुनाए जाने के बाद विश्व हिंदू परिषद ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत है। बीएचपी के अध्यक्ष आलोक कुमार ने नई दिल्ली में प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला किसी की जय या पराजय नहीं है। अयोध्या मामले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसला आने के बाद कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि अयोध्या मुद्दे पर भारत की सर्वोच्च अदालत ने फैसला दिया है। सभी पक्षों, समुदायों और नागरिकों को इस फैसले का सम्मान करते हुए हमारी सदियों से चली आ रही मेलजोल की संस्कृति को बनाए रखना चाहिए। इसके साथ ही प्रियंका ने कहा कि हम सबको एक होकर आपसी सौहार्द और भाईचारे को मजबूत करना होगा। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने उच्चतम न्यायालय द्वारा अयोध्या मामले पर फैसला सुनाने के बाद कहा कि सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट की बेंच के पांचों जजों ने एकमत से अपना निर्णय दिया है और हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि वर्षों पुराना मामला अब समाप्त हुआ और मेरी सभी लोगों से अपील है कि शांति व सौहार्द बनाए रखें। यूएई में दो बुजुर्ग भारतीय महिलाओं ने व्हीलचेयर पर 5 किलोमीटर की दौड़ सफलतापूर्वक पूरी की है। खलीज टाइम्स की एक खबर के अनुसार कुसुम भार्गव और ईश्वरी अम्मा ने शुक्रवार को दुबई रन में हिस्सा लिया था और कुसुम भार्गव, जिनकी उम्र 86 साल है, दुबई रन में हिस्सा लेने वाली सबसे बुजुर्ग प्रतियोगी थी। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने अयोध्या मामले पर उच्चतम न्यायालय के फैसले को भारत की विजय का प्रतीक बताते हुए कहा कि इस फैसले से सौहार्द के साथ रहने की हमारी भावना की जीत हुई है। नायडू ने ट्वीट कर कहा कि आज उच्चतम न्यायालय की 5 न्यायाधीशों की पीठ द्वारा अयोध्या मामले पर सर्वसम्मति से दिए गए फैसले के बाद आवश्यक है कि हम पिछले मामले को भूलकर भविष्य में सौहार्दपूर्ण, संपन्न और शांत भारत के निर्माण के लिए संकल्पबद्ध हों। उत्तराखंड राज स्थापना दिवस के मौके पर देहरादून में आयोजित हुए मुख्य कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि उत्तराखंड से मेरा गहरा नाता है और राज्य गठन के दौरान मैंने कई दस्तावेजों में हस्ताक्षर किए थे। इसके साथ ही उत्तराखंड राज स्थापना दिवस के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए राजनाथ सिंह ने उत्तराखंड वासियों को राज स्थापना दिवस की बधाई भी दी। हिमाचल की चोटियों पर 2 दिन स्नोफॉल के बाद शनिवार को अधिकतर भागों में मौसम साफ हो गया है। कुल्लू, लाहौल स्पीति, किन्नौर, कांगड़ा, मंडी की चोटियां बर्फ से ढकी हुई है। वहीं मौसम खुलने के बाद रोहतांग में बर्फ का शानदार नजारा देखने को मिला। देश में बढ़ती जा रही वायु प्रदूषण की समस्या के मद्देनजर हरियाणा के उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने पीएम नरेंद्र मोदी से मांग की है कि वे इस समस्या से निपटने के लिए कृत्रिम बारिश का सहारा ले। आपको बता दें कि इस संदर्भ में दुष्यंत चौटाला ने पीएम मोदी को भी चिट्ठी लिखी है। पश्चिम बंगाल प्रदेश भाजपा अध्यक्ष दिलीप घोष ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा अयोध्या मामले पर दिए गए फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने प्रदेश मुख्यालय में कहा कि यह ऐतिहासिक फैसला है, सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या मामले का समाधान निकाला है और राज्य भाजपा इसका स्वागत करती है। सैयद मुश्ताक अली T20 के पहले ही मैच में क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड को कर्नाटक ने हरा दिया है। दरअसल उत्तराखंड को अनुभवी कप्तान उन्मुक्त चंद की कमी खली और कमजोर बल्लेबाजी के चलते उत्तराखंड की टीम निर्धारित 20 ओवर में 132 रन ही बना सकी। वहीं जवाब में बल्लेबाजी करने उतरी कर्नाटक टीम ने 15.4 ओवर में ही 133 रन बनाकर मुकाबले को 9 विकेट से जीत लिया। जम्मू कश्मीर में राष्ट्रीय राजमार्ग 44 को कल दोनों ओर से यातायात के लिए खोल दिया गया है। गौरतलब है कि नौश्री से रामसू के बीच कई स्थानों पर राजमार्ग पर निजी वाहनों के आवाजाही को रोक दिया गया था। अयोध्या मामले पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद अजमेर दरगाह के दीवान सैयद जेनुअल अबुद्दीन ने कहा कि निर्णय को हम स्वीकार करते हैं, फैसले से किसी की हार और जीत नहीं हुई है और यह न्याय व्यवस्था की जीत हुई है। इसके साथ ही दरगाह के दीवान ने कहा कि फैसले को मानते हुए भाईचारे को बढ़ाएं और एकता बनाए रखें। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर राज्य में आचार संहिता लागू है और प्रशासन इस बात पर कड़ी नजर रखी हुई है कि कोई भी आचार संहिता का उल्लंघन नहीं करे।
कल उच्चतम न्यायालय द्वारा अयोध्या मामले पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने ट्वीट कर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ऐतिहासिक बताया और कहा कि यह फैसला देश के सामाजिक ताने बाने को और मजबूत करेगा। इसके साथ ही उन्होंने अपने ट्वीट में कहा कि मेरी सभी से अपील है कि उच्चतम न्यायालय के फैसले का सम्मान करें। बिहार के पटना से हमारे संवाददाता राजेश कुमार बता रहे हैं कि अयोध्या मामले पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा फैसला सुनाए जाने के बाद आरजेडी नेता और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा कि अयोध्या मामले पर सभी को सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार था और अब फैसला आ गया है। हम सभी को सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान करना चाहिए। इसके साथ ही तेजस्वी ने कहा कि हम इतना कहना चाहते हैं कि देश में जितने भी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा और चर्च हैं, हमने इनको भी पराया नहीं समझा और ये सब भी अपने हैं जिन्हें हम मानते हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हम लोग सम्मान करते हैं और सभी लोगों को पालन करना चाहते हैं और हम बस इतना कहते हैं कि देश में जितने भी मंदिर हैं, मस्जिदें हैं, गुरुद्वारा हैं, चर्च है, ये सारे अपने हम लोगों ने ना मंदिर को ना गुरुद्वारा को पढ़ाया कभी नहीं समझा। ये सारे अपने हैं, हम इसको मानते हैं और राजनीतिक दलों को और नेताओं को खास तौर पे हाथ आ रहा है भाई किसी का नीचे कीजिए। विश्वविद्यालय अच्छे बने, कॉलेज अच्छे बने, स्कूल अच्छे बने, अस्पताल अच्छे बने, ध्यान रखने की जरूरत है और बाकी जो फैसला आया है हम लोगों का पहले से ही ये राय था कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसको हम लोग तो ये थी सुबह के कुछ ताजा तरीन खबरें और ये खबरें आपको कैसे लगे आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर अच्छा लगा हो ज्यादा ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब बटन के साथ में जो नोटिफिकेशन बेल है, घंटी है, उसे भी दबा दें ताकि देश और दुनिया के तमाम खबरों से आप रह सके अपडेट।